और मेरे फिल्मी दीवानों, तो कैसे हैं आप? सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉलीव्यूज। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बॉलीवुड यानी कि तमिल लैंग्वेज मूवी कैप्टन मिलर मूवी के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो मूवी कैप्टन मिलर जो कि रिलीज हुई थी 12th of January 2024, 12 जनवरी 2024 को मूवी को फ्राइडे के दिन रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी की रेटिंग की तो बता दें कि इस मूवी को काफी अच्छे रेटिंग और रिव्यूज दिए गए थे, यानी कि इस मूवी को क्रिटिक्स के द्वारा 5 में से 3.5 स्टार्स 3.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी। बात करते हैं स्क्रीन काउंट्स की तो बता दें कि मूवी को इंडिया में लगभग 1900 स्क्रीन्स पे इंडिया पे रिलीज किया गया था, तो इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में इसे 500 स्क्रीन्स दिए गए थे, यानी कि दोनों को इंक्लूड करके मूवी को वर्ल्ड वाइड 2400 स्क्रीन्स पे इस मूवी को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था। मूवी कैप्टन मिलर एक पीरियड एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको अरुण माथेश्वरन ने डायरेक्ट किया था। राइटर्स की बात की जाए तो मूवी की स्टोरी लिखी थी अरुण माथेश्वरन ने, तो वही मूवी का स्क्रीन प्ले किया था अरुण माथेश्वरन एंड साथ ही मदन कार्की ने। बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की तो बता दें कि इस मूवी को अर्जुन त्यागराजन एंड साथ ही सेंथिल त्यागराजन इन दोनों ने मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था। वहीं अगर इस मूवी के प्रोडक्शन हाउसेस यानी कि प्रोडक्शन बैनर्स की बात करें तो बता दें कि इस मूवी को अर्जुन त्यागराजन एंड सेंथिल त्यागराजन ने अपने प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम है सत्या ज्योति फिल्म्स, इसी बैनर तले इस मूवी को प्रोड्यूस किया था। वहीं अगर इस मूवी के कास्ट यानी कि कलाकारों की बात की जाए तो बता दें कि मूवी कैप्टन मिलर के अंदर धनुष, शिवा राजकुमार, संदीप किशन, प्रियंका मोहन, आदिति बालन, इलांगो कुमार वेल, एलेक्स ओनेल, निवेदिता सतीश, जॉन कोकेन एंड साथ ही एडवर्ड सोनेन ब्लिक, ये सारे इस मूवी के अंदर नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा भी इस मूवी के अंदर काफी सारी कास्ट नजर आई थी। मूवी कैप्टन मिलर की कहानी साल 1930 के जमाने की है जिस टाइम इंडिया में ब्रिटिश राज हुआ करता था। अगर अभी तक आप लोगों ने कैप्टन मिलर मूवी को नहीं देखा है और आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर इस मूवी को 9 फरवरी 2024 को रिलीज कर दिया गया था। बता दें कि मूवी को Amazon Prime Video पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ एंड साथ ही हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। मूवी कैप्टन मिलर तमिल एक्टर धनुष के फिल्मी करियर की फिल्म नंबर थी 47। मूवी का अपने इनिशियल डेज में जो टेंटेटिव टाइटल रखा गया था वो था D47 यानी कि धनुष 47। बाद में मूवी को फाइनल टाइटल दिया गया था कैप्टन मिलर। बता दें कि जो कैप्टन मिलर मूवी के जो मेकर्स है वो कैप्टन मिलर मूवी को एक फ्रेंचाइजी यानी कि एक सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसके आने वाले टाइम पे वो और भी इंस्टॉलमेंट्स बनाना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि बेसिकली मेकर्स जो है वो कैप्टन मिलर को एक ट्रायलॉजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि वो कैप्टन मिलर की टोटल 3 फिल्में 3 पार्ट्स बनाना चाहते हैं। कैप्टन मिलर मूवी बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु मूवी हनुमान एंड साथ ही बॉलीवुड मूवी मैरी क्रिसमस मूवी के साथ क्लैश हुई थी। अगर आप लोग हनुमान या फिर मैरी क्रिसमस का भी लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो दोनों की ही वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए तो फाइनली वक्त आ चुका है मूवी कैप्टन मिलर के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट और वर्डिट के बारे में चर्चा करने का। तो मूवी ने अपने डे वन पर इंडिया से अपने सभी भाषाओं से जो ओपनिंग नेट कलेक्शन करी थी वो थी 8 करोड़ 70 लाख रुपए, 8 करोड़ 70 लाख रुपीस की, जिसमें से मूवी ने अपनी ओरिजिनल तमिल भाषा से डे वन पर 8 करोड़ 5 लाख रुपए, 8 करोड़ 5 लाख की ओपनिंग करी थी नेट। हिंदी से मूवी ने 60 लाख रुपीस की नेट ओपनिंग करी थी। तो वही कन्नड़ भाषा से इस मूवी ने टोटल जो ओपनिंग करी थी वो हुई थी 5 लाख रुपए 5 लाख रुपीस की। मूवी ने इंडिया से अपने फर्स्ट वीकेंड यानी कि पहले 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे को जो सभी भाषाओं से टोटल जो नेट कलेक्शन किया था वो था 23 करोड़ 95 लाख रुपीस का, जिसमें से मूवी ने तमिल भाषा से अपने पहले 3 दिनों में 21 करोड़ 45 लाख, 21 करोड़ 45 लाख रुपए की नेट कलेक्शन की थी। हिंदी भाषा से 2 करोड़ 25 लाख, 2 करोड़ 25 लाख की कलेक्शन की थी। तो वही कन्नड़ भाषा से इस मूवी ने अपने पहले 3 दिनों में टोटल जो कलेक्शन किया था वो था 25 लाख 25 लाख रुपीस।
का मूवी ने जो इंडिया से अपने फर्स्ट वीक यानी कि पहले 7 दिनों में सभी भाषाओं से जो नेट कलेक्शन किया था वो था 40 करोड़ 66 लाख रुपए, 40 करोड़ 66 लाख रुपीज का, जिसमें से मूवी ने तमिल भाषा से अपने फर्स्ट वीक में 37 करोड़ 35 लाख, 37 करोड़ 35 लाख की नेट कलेक्शन की थी। हिंदी से 3 करोड़ 1 लाख, 3 करोड़ 1 लाख की कलेक्शन करी थी। तो वही कन्नड़ भाषा से इस मूवी ने अपने पहले हफ्ते में 30 लाख 30 लाख रुपीज की नेट कलेक्शन की थी। बता दें कि मूवी को थिएटर्स में अपने थर्ड वीक में तेलुगु भाषा में भी रिलीज कर दिया गया था। तो मूवी का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था सभी भाषाओं का मिलाकर तो वो हुआ था 49 करोड़ 52 लाख रुपीज का, जिसमें से मूवी ने तमिल भाषा से अपना लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज से 42 करोड़ 96 लाख रुपीज का, हिंदी से 3 करोड़ 14 लाख, 3 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन किया था, कन्नड़ से टोटल 30 लाख 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, तो तेलुगु से टोटल 3 करोड़ 12 लाख, 3 करोड़ 12 लाख का कलेक्शन किया था। वही मूवी का जो इंडिया का टोटल लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस यानी कि जिसमें टैक्स जीएसटी इंक्लूड हो जाता है, तो वो था 58 करोड़ 93 लाख रुपीज का। रही बात इंडिया से बाहर यानी कि ओवरसीज मार्केट से, तो मूवी ने अपना टोटल ओवरसीज मार्केट से लाइफ टाइम कलेक्शन किया था 17 करोड़ 50 लाख रुपए, 17 करोड़ 50 लाख रुपीज का। और ये सब इंक्लूड करके मूवी का जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन था सब कुछ इंक्लूड करके तो वो हुआ था 76 करोड़ 43 लाख रुपीज का। बजट की बात करें तो बता दें कि कैप्टन मिलर टोटल 55 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन मूवी का जो थिएट्रिकल बजट सामने आया है वो लगभग 35 करोड़ 35 करोड़ के आसपास का मूवी का थिएट्रिकल बजट है। अब उस हिसाब से अगर हम वर्डेड की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो बता दें कि थिएट्रिकल बजट के हिसाब से मूवी जो है कैप्टन मिलर बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को वर्डेड दी गई है थिएट्रिकल बजट के हिसाब से हिट की। जैसे कि मैंने कैप्टन मिलर का आप लोगों को लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताया 76 करोड़ 43 लाख रुपीज का। बता दें कि एक ट्विटर हैंडल है, ट्विटर अकाउंट है मनोबाला विजय बालन के नाम से। बेसिकली वो अपने ट्विटर हैंडल पर साउथ सिनेमा मूवीज जो होती हैं उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के डेटा शेयर करते रहते हैं और वो एक वेरीफाइड अकाउंट है। तो उस ट्विटर हैंडल के अकॉर्डिंग जो कैप्टन मिलर का जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था, लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो था वो था 104 करोड़ 76 लाख रुपीज का। लेकिन बेसिकली मोस्ट ऑफ द यूजर्स के अकॉर्डिंग उस ट्विटर हैंडल पर जो भी कलेक्शन शेयर किए जाते हैं वो फेक होते हैं। तो ऐसे में आप में से अगर कोई कहता है कि कैप्टन मिलर का लाइफ टाइम कलेक्शन तो 104 करोड़ रुपए का है, तो बता दें कि उस कलेक्शन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जाए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड साथ ही शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।